हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस मैच में। तो इनिंग का आखिरी ओवर है और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए 49 रन, जो कि इम्पॉसिबल ही है। और आखिरी ओवर करा रहे हैं रविंद्र जडेजा, स्ट्राइक पर हैं एरन फिंच। ओवर की पहली बॉल पॉइंट के सर के ऊपर से 4 रन मिलेंगे, कोई फील्डर नहीं वहाँ पे। तो चौके से ओवर की शुरुआत की है, लेकिन मैच जीतना इम्पॉसिबल ही है। तो यहाँ पे फील्डिंग में थोड़े से चेंजेस किए हैं, मिड ऑफ पे फील्डर लगाया है। तो ओवर की दूसरी बॉल, 5 बॉलों पे 45 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए। तो ओवर की दूसरी बॉल लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रन, बहुत ही बढ़िया शॉट, 6 रन मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया को एरन फिंच के। ओवर की तीसरी बॉल डिफेंस कर दिया है, कोई रन नहीं। तो अब 3 बॉलों पे 39 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। ओवर की चौथी बॉल स्ट्राइक पर एरन फिंच, 10 रन आए हैं इस ओवर से अभी तक, फिर से डिफेंस कर दिया, कोई रन नहीं। अब 2 बॉलों में 39 रन चाहिए और आखिरी की 2 बॉलें। ओवर की 5वीं बॉल स्ट्राइक पर है एरन फिंच। ओवर की 5वीं बॉल कीपर के सर के ऊपर से 6 रन मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया शॉट। ओवर की आखिरी बॉल, बहुत ही बढ़िया पहला ओवर डाला था जुएन चहल ने, खाली 4 रन दिए थे और 1 विकेट लिया था। आखिरी बॉल इनिंग की और मैच की आखिरी बॉल, बैकफुट पर पुश कर दिया है, सिंगल मिलेगा यहाँ पे। तो मैच जीत लिया है इंडिया ने 31 रनों से, नॉट आउट। तो मैच जीता इंडिया ने 31 रनों से, बहुत ही बढ़िया मैच रहा। बहुत बढ़िया बॉलिंग की चहल ने, पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और 1 बहुत ही बढ़िया विकेट चटकाया।